मिशन शक्ति अभियान की तैयारी बैठक राजस्व परिषद की आयुक्त व नोडल अधिकारी मनीषा तिरघाटिया की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मिशन शक्ति की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी मनीषा तिरघाटिया ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा अभियान के अंतर्गत लैंगिक हिंसा की रोकथाम और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के साथ ही उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए और उसका गुणवत्तायुक्त परिणाम दें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, महिला अपराध के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक माह एक सप्ताह का विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँ। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अप्रैल 2021 तक चलेगा। सभी अधिकारी अपने अपने विभागों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार कर महिलाओं एवं बालिकाओं को योजनाओं से लाभान्वित भी कराएं तथा पॉक्सो कानून के अंतर्गत बच्चों का यौन हिंसा से बचाव, सहायता व पुनर्वास तथा हिंसा करने पर दंड के प्राविधानों से जागरूक करें। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित 6 माह का महत्वपूर्ण मिशन शक्ति अभियान में जनपद में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली 100 महिलाओं का चयन भी रोल मॉडल के रूप में किया जाएगा। इस अवसर पर एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पुलिस विभाग के किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजस्व परिषद की आयुक्त व मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी मनीषा तिरघाटिया ने कहा एडमिशन 180 दिन चलेगा, 24 के बाद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ब्लॉक लेवल से लेकर आधार पंचायत से लेकर शहरी निकायों से सब मिलकर एक मिशन को चलाएंगे। अभियान के दौरान हमारे जो मुख्य कार्य होंगे वो लैंगिक आधारित संवेदीकरण कार्यक्रम होंगे, वेबिनार, आत्म सुरक्षा कार्यशाला, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, ध्वनि संदेश, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, दुर्गा पूजा पंडाल ध्वनि होंगे। उसमें हमें सारे मैसेज और उस प्रकार को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने और उन्हें कार्यक्रम होंगे, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता प्रोग्राम शुरू करेंगे उनका नाटक। इसके अलावा भी आप अगर कोई कार्य योजना कुछ कराना चाहते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। रामलीला निधि महिला सुरक्षा आधारित कार्यक्रम उनका आयोजन होगा। विशेष गतिविधियों में हमारे जो न्यायपालिका है, पुलिस है और जो महिलाओं के विशेष अपराध हो चुके हैं उस पर हम जो भी हमारी मीटिंग होगी मॉनिटरी सेल की या दूसरे करके अगले 2 महीनों में टारगेट बेस अप्रोच करते हुए उनको कंप्लीट कर पहचान उजागर करना है, जन जागरूक सबको साथ मिलकर काम करना है। 25 जो आज शुरू हुए जिसमें विश्व बाल दिवस भी आया, इसमें जो मेन विभाग होंगे पुलिस रोडल होंगे, श्रम का दिवस मनाया जाएगा, माध्यमिक विभाग होंगे महिला संस्कृत स्वास्थ्य ग्राम विकास, इसके बाद जो हमारा मार्च में इसमें पुलिस स्वास्थ्य विभाग परिवहन विभाग महिला एवं बात करें। मुख्य कार्यक्रम जो प्रथम चरण में है वो मैं आपको बता दूँ कि आत्मजनी बैंक को फ्लैग ऑफ किया है और बाकी जो कार्यक्रम है जो लखनऊ से हुए हैं उनका भी हमने जानकारी दी। इसमें हमारे विभाग अपना इसमें बढ़ चढ़ के आदरणीय जनपद का नोडल मनीषा त्रिघाटिया मैडम, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। अलग अलग दिन में अलग अलग सप्ताह मनाते हैं महिला के लिए, जैसे पुलिस विभाग अलग मनाते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग अलग मनाते हैं और शिक्षा विभाग अलग मनाते हैं। बट पहले बार सभी विभाग मिलकर के सिनर्जी एफोर्ट हो रहा है और इस पर एक दिन दो दिन का नहीं है, 180 दिवस का योजना है ताकि इसको एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि 1 महीने 2 महीने भी करेंगे तो उसमें अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इस पर बहुत सारे आपका क्रिएटिविटी के लिए और बाकी विभाग का डाउटेरी के लिए स्कोप दिया है। इस पर एक चीज़ आपको करना होगा, वैसे 24 विभाग इसमें शामिल है, 14 विभाग ने आपने कार्य योजना बना के तो दे दी, बाकी 10 विभाग पूरी करते हैं अभी शाम तक दे देंगे। इसका संसदीय दौर से मत बनाइए, खासतौर पर 2-3 चीज़ में हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपको विभाग का एक सेंसिटिव नोडल ऑफिसर बना लीजिए, संवेदनशील नोडल ऑफिसर,
महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, ताकि उन्हीं के ही सेंटर करते हुए बनेगा। जो वाकई में किसका रुचि है जो महिला सशक्तिकरण में, उन्हीं को बना लीजिए। वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। रोल मॉडल अगर चुना, मैं चाहता हूँ ताकि कितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी आए हैं महिला के रूप से, आप कहीं ना कहीं तो लड़ भी आए हैं, जरूर आपको भी इस पर लीड लेना है। वाकई में आपको भी जो कितने कठिन पोजिशन में आए हैं, एक तरफ आप मेरिट में आने के बाद ही सेवा में ज्वाइन किए हैं, वो भी आपका नाम हम अलग लेंगे प्रवेश अधिकारी, तो आपसे मैं अपेक्षा करते हैं केवल सरकारी तौर से, सरकारी तौर से योजना ना बन जाए, आप क्रिएटिव कार्ड को यूज करिए। आप कैसे चाहते हैं महिला नाते से क्या क्या कमी आप महसूस करते हैं आपके ऊपर, उसे कैसे दूर करें। उदाहरण तौर से महिला के लिए कहीं कहीं अलग शौचालय नहीं होता है, और महिला के लिए अलग मतलब मान लीजिए डेली फीडिंग के लिए एरिया नहीं होता है, आप इतने कितने सेंसिटिव आपका ऑफिस के तौर से और आपकी योजना के तौर से सोचते हैं, उसी का प्रॉब्लम में लाइए, उसका अच्छा मौका है। ये आपके हाथ में वाकई में सरकार शक्ति दे रही है, ताकि इधर आप महिला को सशक्तिकरण कर सकते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हुए करा लेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ जल्दी योजना बना करके दे दीजिएगा, और उसका टाइम फ्रेम और डेडलाइन जो शासन ने निर्धारित किया है उसी का अनुरूप उसको गुणवत्ता एवं इंस्टॉल करा लीजिएगा, ताकि अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम हो जाए। साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करा दीजिएगा, जो कार्यक्रम कराते हैं उसका जो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ कितने लाभार्थी आए हैं, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसी का डेली रिपोर्ट जिला प्रवेश अधिकारी को दे दीजिएगा, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन करा करके हमें शासन को क्या होता है। 50% जो क्षमता के हिसाब से खुलेगा समझौता चलेगा, उसका भविष्य भी आजकल आने वाले चलिए। आपका सुझाव अच्छा है, आप उसके लिए इंतजार मत करिए, छोटी छोटी ग्रुप में बुला करेंगे एक साथ इकट्ठे हुआ कि जिस तरह से महिला सुरक्षा और महिला आत्मसम्मान स्वावलंबन के लिए अगर सभी विभाग इकट्ठे हो जाएंगे तो 100% हम कुछ रिजल्ट दे पाएंगे, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे और यह देखें भी धरातल स्तर पर देखें भी। इसके लिए पुलिस विभाग भी कटिबद्ध है, पुलिस विभाग के जो कार्यक्रम है इसमें, क्योंकि इसमें पुलिस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है महिला सुरक्षा को लेकर के। हम लोगों ने भी निर्देशित किया है सभी एसपीओज को, सभी पुलिसकर्मियों को, कि आने वाले समय में अगले जितने पुराने एफआईआर से संबंध में जो मुकदमे दर्ज है महिला अपराध से रिलेटेड, उन सबको 15 दिन के अंदर सभी एफपीओज की रजिस्ट्री होकर उस पर कार्रवाई हो जाए। और जो हमारा शेरनी दस्ता हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक महिला सुरक्षा के लिए चला रखा है पूरे जनपद में, जो हम आज मॉर्निंग की सुबह हमने देखा था, अलग अलग स्थानों पर स्कूल कॉलेजेस तो भी हालांकि बंद चल रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स मॉल्स और होटल्स ठीक ठाक होटल्स जहाँ पर महिलाएं जाती भी हैं, प्लस जो काम करने वाले स्थान हैं कार्यस्थल मॉल और बाजार इन सब में बैंक्स और एटीएम्स के आसपास भी जहाँ महिलाएं जाती है वहाँ सब जगह एक मल्टी पॉइंट्स बना करके हम लोगों ने एक चीज़ को कराया है, ताकि महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव भी करा सकें और पब्लिक को भी लगे कि हम लोग संवेदनशील है और वास्तव में इसको दिखे भी लोगों को। महिला अपराध के संबंध में जनरली जो घटनाएं होती है, जैसे डीएम साहब ने कहा शिक्षा जैसे जितने अपराध हुए हैं, जहाँ जहाँ अपराध हुए हैं जो स्टडी है हम लोगों के पास पुलिस विभाग के पास में, उस स्टडी में यह कहना है कि जितने अपराध हुए हैं महिलाओं से रिलेटेड उसमें महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत कम हैं, या उनका परिवार अशिक्षित है या फिर बच्चियाँ ही अशिक्षित है जहाँ ऐसी घटनाएं हुई है, और जिस तरह से घटनाएं होती है तो हम लोग उस पर और ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिस पर हम लोग अगर फोकस करते हैं तो बच्चियों को और महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता तभी मिल सकती है जब उनके पास स्वयं के पास स्वावलंबन हो, स्वयं अपनी सर्विसेज कर रही हो। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया है सभी विभागों को मिलकर के इसको आगे बढ़ाना है और अपनी कटिबद्धता प्रतिबद्धता दिखानी है महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति। और इसके लिए काफी दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं, पर एक्चुअली सीनियर पे इसका क्रियान्वयन इसके एग्जीक्यूशन आप सब के द्वारा ही कराई जा रही है। आप सबको अपना वर्क प्लान देना है और जैसे आपको बताया कि इसमें आप अपने
अपने अपने डिपार्टमेंट की कोई भी कार्य योजना जो भी देंगे इस मिशन के लिए क्रिएटिव, वो जरूरी नहीं है कि अभी जो आपने आइडिया दिया वो उसी पर सीधे करें, आपको बाद में जो कुछ और लगता है वो आप चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं उसको करें, वर्क प्लान बनाएं जो एक्चुअली में जिससे सच में सब्सटैंशियली चेंज दिखेगा हम पर, तो जिससे एक्चुअली में फर्क हो, केवल ये ना हो कि अभियान आया हो गया जिसमें सही में कुछ फर्क पड़े। छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में बहुत बच्चियों को नहीं पता होता है, उसका अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए, हर स्कूल में, हर गली में सबको पता हो कि कोई अगर उत्पीड़न हो रहा है किसी बच्चे का, किसी बच्ची का, तो उसको पता है कि कहाँ पे रीच आउट करना है, कहाँ हेल्प मिलेगी किसी भी प्रकार। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की गाइडलाइंस दी गई हैं, विशाखा गाइडलाइंस हैं। इसमें हर ऑफिस में एक कमिटी बनती है, हम प्राइवेट सेक्टर में जरूर बनाते हैं पर गवर्नमेंट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली ये हम भूल जाते हैं, और मैं चाहूँगी इस ओकेजन को लेके एटलीस्ट हम यहाँ पे शुरुआत कर दें इस मिशन शक्ति जो शुरू हुआ है उसमें इसकी शुरुआत हो, स्पेशली जो महिला बहुल्य डिपार्टमेंट्स हैं उनको तो जरूर करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में, छोटे छोटे हर लेवल के ऑफिस में, जहाँ जहाँ पे जैसे गाइडलाइंस दी गई हैं उसके हिसाब से ये कंपनीज बने और इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सो दैट पीपल नो, लेडीज नो, वुमेन नो कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो कहाँ, किस फोरम पे जाना है, किस फोरम पे बात करनी है। तो ऐसे ऐसे छोटी चीज़ें हैं जो लगती छोटी है पर एक्चुअली में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो लेट अस ट्राई बी क्रिएटिव, कैसे हम इसको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है, विमेन बिलोंग टू एवरी प्लेस में डिसीजन आर बीइंग मेड, महिलाओं को वहाँ सब जगह होना चाहिए जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। तो आप अपने देखिए अपने डिपार्टमेंट में क्या महिलाओं का ओपिनियन लिया जा रहा है कोई भी निर्णय लेने में, क्या डिसीजन लेते समय महिलाओं का पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा जाता है, कि कोई फीडबैक मैकेनिज्म है। हमें जरूर ये देखना चाहिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ गांधी जी करिश्मा, जैसे कहते हैं कि आप एक शोषित की हुई व्यक्ति के बारे में सोचें जब आप कोई निर्णय लेते हैं। मैं ये काम चाहूँगी कि एक महिला के बारे में भी सोचें। सबसे बेसिक नीम है किसी भी देश की वो है शिक्षा, नीम साहब ने भी बहुत एम्फसाइज किया है इस पर, शिक्षा स्पेशली फीमेल ड्रॉपआउट रेट, स्पेशली जो माइग्रेंट फैमिलीज होती हैं उसके उसका जरूर हमें सोचना है, उसका देखना है किस प्रकार हम उन बच्चों का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एनरोल कर सकते हैं और उनकी शिक्षा में कोई प्रधान ना पड़े, कुछ डिस्कंटिन्यूएशन ना हो, वो ऐसे हम किस तरह से हम उसके प्रोग्राम्स ला सकते हैं। सो वी मस्ट बी क्रिएटिव विद आवर आइडियाज और इसको एक सरसरी तौर पर ना लें, सीरियसली लें और केवल इस अभियान लिमिटेड रखने, कुछ ऐसा बदलाव आए जो कि आगे परपेचुएट हो जाए और सिस्टमिक कोई चेंज आए। आज मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ हुआ है और अभी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की है, कार्य योजना बनी है और हमने ये भी कहा है कि यहीं ना रुकें और भी अपने आइडियाज़ और कार्य योजना में कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं वो ज़रूर करें और कंपाइल करें, और ये भी कहा है कि जिसपे एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कोई चेंज नज़र आए ऐसी कार्य योजना बनाएं और ऐसे हमारे प्लान्स होने चाहिए, और इसके लिए ज़िला स्तर पे या शासन स्तर पे कोई भी जिसके सुझाव होंगे, कोई पॉलिसी चेंज का भी होगा तो वो
वो ज़रूर सुझाव ज़रूर दें और ऐसी चीज़ें करें जिससे सिस्टमिक चेंज आए, कुछ माइंडसेट में चेंज आए और नारी शक्ति और स्वावलंबन के तरफ हम सकारात्मक सबका अप्रोच रखें, कुछ ऐसा माहौल में चेंज लें। मतलब जिम्मेदारी बेटों की बनती है, बेटियों की सुरक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बनता है, ये केवल एक हाथ से नहीं होता, चेंज दोनों तरफ से लाते हैं। और जिसे कहते हैं क्या हम इसको व्यू करें क्राइम अगेंस्ट वीमेन करें या हम करें कि परपेट्रेटर्स जो हैं उनकी तरफ भी देखें, वो क्यों होता है, वो अपब्रिंगिंग पे फ़र्क आता है, घर में जैसा माहौल होता है उससे फ़र्क आता है, तो ये ज़रूर देखना है, पूरे परिवार को देखना है और माइंडसेट में चेंज लाना है। और ये अभियान शुरू हुआ है तो आई एम श्योर इसमें ज़रूर चेंज ज़रूर आएगा। मैडम गार्जियन जो होते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, दोनों मान लीजिए सर्विस करते हैं पति पत्नी दोनों, इसमें बच्चे अकेले रहते हैं, तो उस गार्जियनों से भी कुछ कहेंगे आप? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पति पत्नी दोनों सर्विस करेंगे तो बच्चे की अपब्रिंगिंग ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं। वो तो घर में जैसा माहौल रहेगा, घर में जैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे अपने माँ बाप भी अपने आचरण से एक एग्जांपल सेटअप करते हैं, ठीक है ना, वो अगर